कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी गठबंधन पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आप जो चाहे कह लीजिए, हम इंडिया हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता कुछ भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत है, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हताशा है। विपक्ष के रवैये से ऐसे लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि इतने सारे प्रतिनिधि संसद में चार दिन से 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। इस सदन में बीजेपी सरकार के दौरान 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने भी 267 के तहत चर्चा की थी, लेकिन आज मणिपुर चल रहा है, वहाँ रेप हो रहे हैं, आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, पीएम ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया मोड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो गए कि इंडिया से ही नफरत करने लग गए हैं। सुना है आज कुंठा में आकर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के हाफिज सईद और उसामा बिन लादेन से करीबी रिश्ते हैं, इसलिए पीएम उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम के पूर्वज अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। दरअसल मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। पिछले दिनों मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की थी। ये वीडियो 4 मई का है। यही मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में छाया रहा। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ अल्पकालिक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पढ़ रहा है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में जुटे हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इन 26 दलों ने गठबंधन कर इसका नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस रखा है। इस गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुटवाली, एनसीपी, शरद पवार की गुटवाली, सीपीआई, सीपीआईएम, जदयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, एमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस एम, मनीथानिया मक्कल काची एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी, अपना दल, कमीरावादी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरी टीवी, भारत।